वीडियो में भी हम रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी एक लेटर के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण अब स्टेशन मास्टर की भर्ती प्रक्रिया और उसकी योग्यता में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं या निकट भविष्य में होने वाले रेलवे कर्मचारी हैं, तो आप इस वीडियो को खत्म होने तक अपनी आंखें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गड़ा कर रखिए। हम आपको इसके बारे में कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेशन मास्टर की भर्ती प्रक्रिया में क्या कोई बदलाव किया गया है, क्या इसकी वजह से सीधी भर्ती प्रक्रिया में कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रमोशंस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के आपके जितने भी तमाम सवाल हैं उनको हमने इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रेलवे बोर्ड के लेटर के बारे में। इस लेटर का नंबर है RBE 79/2023। इसे 13 जून 2023 को रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इस लेटर को IREM वॉल्यूम 1 के पैरा नंबर 122 में एक अमेंडमेंट के लिए जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस लेटर का सब्जेक्ट है अमेंडमेंट टू पैरा नंबर 122 ऑफ IREM वॉल्यूम 1 प्रोविजंस रिगार्डिंग फिलिंग अप पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। यानी IREM वॉल्यूम 1 के पैरा नंबर 122 में इसके जो स्टेशन मास्टर है उनकी भर्ती किस प्रकार से की जाएगी उसका प्रोविजंस दिया गया है और उसमें अमेंडमेंट किया है। इससे पहले रेलवे बोर्ड ने 12 जून 2023 को भी एक लेटर जारी किया था, जिसमें ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड के जो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न था उसको बदला था, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ वीडियो का आई बटन में भी मैं डाल दूंगा, जहां से जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। क्योंकि सीधी भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा फायदा वहां पर मिल रहा है और प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज को ट्रेन मैनेजर के लिए कम किया है। बहरहाल अभी तो हम इस वीडियो के टॉपिक पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें IREM के पैरा नंबर 122 के प्रोविजंस को समझना होगा, उसके बाद में इस करेक्शन स्लिप के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको पहले के प्रावधान और जो अब के प्रावधान है यानी जो बदलाव के बाद के प्रावधान है उनमें अंतर क्लियरली समझ आ सके। पैरा नंबर 122 में स्टेशन मास्टर के बारे में डिटेल दी गई है। स्टेशन मास्टर की भर्ती को तीन तरीकों से किया जाता है, यानी स्टेशन मास्टर के पोस्टों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन मेथड में है। सीधी भर्ती में 60%, LDC में 15% और तीसरा जो है जनरल सिलेक्शन कोटा उसमें 25%। इस करेक्शन स्लिप के द्वारा पहले दो मेथड जिनका उल्लेख IREM के पैरा नंबर 122 के सब सेक्शन 1 के क्रम संख्या 1 और 2 पर है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सीधी यानी इसका मतलब यह है कि सीधी भर्ती प्रक्रिया और LDC की जो 15% की प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। यानी आप जो RRB एग्जाम कंडक्ट करता है जिसमें डायरेक्ट स्टेशन मास्टर बनते हैं और दूसरा LDC के थ्रू जो 15% कोटा है उसमें स्टेशन मास्टर बनते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज सेम रहेगा। अब जो बदलाव है वो इसके क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर 3 पर जो जनरल सिलेक्शन कोटा 25% का था उसमें एक बदलाव किया है, जिसके बारे में आप दोनों यहां पर स्क्रीन पर देखिए, पहले वाला प्रोविजन और ये लेटेस्ट वाला प्रोविजन। इसमें आप देख रहे हैं यहां पर पहले वाले प्रोविजन और लेटेस्ट वाले प्रोविजन को दोनों को कंपेयर करके आप देखिए, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं करेक्शन स्लिप के बी पॉइंट में लेवल 6 में कार्यरत संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार एंड TNC को स्टेशन मास्टर के प्रमोशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा, लेकिन प्रमोशन पर पे फिक्सेशन नहीं होगा, केवल लेटरल ट्रांसफर इसको कंसिडर किया जाएगा। तो यहां पर यही एक बदलाव है, इसमें संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार एंड TNC को जो लेवल 6 के पद हैं वो भी स्टेशन मास्टर जो भी लेवल 6 का पद है, यानी यहां पर पद में दोनों पद भी लेवल 6 के हैं उससे इसमें प्रमोशन ले सकता है। इस प्रमोशन पर किसी भी प्रकार का पे फिक्सेशन नहीं होगा, यानी पेमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी भाषा में बोलूं तो आपका पद चेंज हो जाएगा, आपका इसको एक लेटरल ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा। ये कंफ्यूजन काफी लंबे समय से पेंडिंग था, अब इसे रेलवे बोर्ड ने दूर कर दिया है। इस करेक्शन स्लिप के आने से स्टेशन मास्टर की भर्ती प्रक्रिया योग्यता में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले था वो अब भी वही रहेगा। साथ ये क्यों मतलब करेक्शन स्लिप इश्यू हुई है उसका कारण भी मैं आपको समझा देता हूँ।
सातवें पे कमीशन तक 2800 ग्रेड पे स्टेशन मास्टर का पद हुआ करता था। तो इनको क्या किया गया, सातवें पे कमीशन में स्टेशन मास्टर, संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार, जितने भी ये इस कैटेगरी के पद है उनको अपग्रेड करके लेवल 6 में अपग्रेड कर दिया। तो संटिंग मास्टर से स्टेशन मास्टर बनने पर पे फिक्सेशन को लेकर कन्फ्यूजन था कि उनका पे फिक्सेशन होगा यानी एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पर अब क्लियरली दूर हो गया है। अब वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। स्टेशन मास्टर के सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, सारी चीजें आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस आगे भी देखने के लिए रेलवे इंसाइट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।